अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो मेरा ये लेक्चर जो है CS401 के अबाउट है, उसकी असाइनमेंट पे बेस करता है। लास्ट टाइम जो आपने कोड राइट किया था उसको हमने कंपाइल किया था, अभी हम उसको AFD डिबगर में हम चलाएंगे। ठीक है, आपको AFD डिबगर के अबाउट ही बताऊंगा कि वो किस तरह रन होता है, ठीक है, किस तरह जो है उसमें मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं, किस तरह कोड ब्लॉक होता है, किस तरह हमारे पास आईपी एड्रेस होता है, आईपी क्या पॉइंट करता है। ठीक है, उसके बाद हम मेमोरी को एक्सेस करने का तरीका भी सीखेंगे, उसको डिबगर को चलाने का तरीका चलिए सीखेंगे। चलें अब चलते हैं, जो हमने राइट किया था कोड हम डायरेक्ट उस पर चलते हैं, उसके बाद फिर उसको डिबगर में ओपन करेंगे इंशाल्लाह। ये है हमारा कोड, ठीक है, जो हमने राइट किया था असाइनमेंट 1.asm। हम इसको ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद ये देखें, वही कोड है जो मैंने लास्ट टाइम आपको समझाया था। अभी हम इसको डॉस बॉक्स में चलाएंगे, ठीक है। आपको डॉस बॉक्स को चलाने का तरीका, उसको कंपाइल करने का तरीका ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में। अगर आपने वो नहीं लिसन किया तो आप वो जाके सुन लीजिएगा, ठीक है। इसको हम माउंट कैसे करेंगे वो सब कुछ ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, ठीक है, पिछले लेक्चर्स में। तो प्लीज़ आप वो लेक्चर सुन लीजिएगा, अदरवाइज आपको इसकी समझ नहीं आने वाली। ठीक है, हमने माउंट कर दिया, अब हम अपना प्रोग्राम जो है कंपाइल करेंगे, ठीक है। हमारा प्रोग्राम क्या था, ASS1.asm -O ASS1.com -L ASS1.LST। अच्छा, अब लास्ट टाइम जो है हमारा क्विज था, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक्स कर रहे थे कि हमारा उसमें क्वेश्चन था कि हमारी जो कॉम फाइल है और हमारी लिस्टिंग फाइल है वो हमारी कहाँ जनरेट होती है, और लोग उसमें असेंबलर का नाम ले रहे थे। हमारा कॉम फाइल ASS1.com ये कॉम फाइल है, ASS1.LST है, ये हम डॉस बॉक्स में ही इसको कंपाइल करते हैं और इधर से ही जनरेट होती है। अदरवाइज डायरेक्ट असेंबलर में कोई ऐसा वे नहीं है जिससे हम जनरेट करें, ठीक है। हम इसको इंटर करेंगे, हमारा अगर कोई एरर होगा तो शो हो जाएगा। अगर हमारी फाइल करेक्ट होगी तो हमारा ये कोई एरर नहीं शो करेगा, डायरेक्ट आगे अगली लाइन में चला जाएगा। अब हम इसको डिबगर में रन करेंगे। उसको रन करने के लिए क्या तरीकेकार होता है हमारे पास, AFD, ठीक है, ASS1.com जो हमने कॉम फाइल जनरेट की थी, ठीक है। ठीक है, हम इससे हम जो है अपने डिबगर में इसको रन करेंगे। चलें देखते हैं डिबगर में, ये हमारा डिबगर ओपन हो गया है, ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे। इसमें हमारे पास बहुत अजीब सी चीजें हैं, मतलब कुछ ग्रीन ग्रीन के तरह ग्रीन से हैं, ठीक है, आपको देखने में काफी डिफिकल्ट लग रहा होगा, ठीक है। इसमें हमारे पास 3 विंडोज हैं। एक हमारे पास ये विंडो है जिसमें हमारा कोड लिखा हुआ है, इसको आप अगर आप गौर से देखो तो ये वही कोड है जो हमने नोटपैड में राइट किया था। इसमें बस थोड़ी बहुत ही चेंजिंग्स होंगी, बिकॉज वो जो है हमारा असेंबलर है वो इसको अपने वर्डिंग में पढ़ता है, अपनी वर्डिंग में रीड करता है, उसके बाद बाकी सारा कोड वही सेम है। ये हमारा कोड आपको नजर आ रहा होगा, हमने स्टार्ट में जंप स्टार्ट पे किया था, उसने इसको कोड में कन्वर्ट कर दिया, हमने आगे ऐड किया था, उसके बाद फिर ऐड ऐड किया था हमने, ठीक है, जिस तरह हमने किया है इसको सेम वही कोड है। उसके बाद हमारे पास ये सेकेंड विंडो है, ये हमारे पास memory 1 है, ठीक है, हमारे पास memory 1 है। DS ratio ये R0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, लेकिन हमने अपना प्रोग्राम कहाँ से ऑर्गेनाइज किया था, आपको अगेन से मैं दिखा देता हूँ कि हमने अपना प्रोग्राम कहाँ से ऑर्गेनाइज किया था। ये हमारे पास पड़े है उसकी नोटपैड फाइल, ठीक है, देखिए हमने ऑर्गेनाइज किया वहाँ से किया था 0x100 से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा 0x000 से प्रोग्राम स्टार्ट नहीं होगा, हमारा कहाँ से होगा 0x, हम इसको एक्सेस कैसे करेंगे, ठीक है। मेमोरी को एक्सेस करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, ठीक है। ये हमारी memory 1 है फिलहाल, हम इसमें देखेंगे, इसको हम अभी छोड़ देंगे। हमारी memory 2 है और इसमें जो है हमारे पास कंप्लीट एक जो है हेक्साडेसिमल साइकिल है, कंप्लीट 0 से लेके F तक, लेकिन इसमें जो है हाफ है 0 से लेकर 7 तक, ठीक है। तो हम memory 1 को जब एक्सेस करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इधर M1 इसका मतलब है memory 1,
अब हम एड्रेस क्या है उसका, ds रेशियो, हमने प्रोग्राम कहां से स्टार्ट किया था, 0 100 से, ठीक है। तो हमारा ये देखें मेमोरी वन में क्या आ गया, पहले इधर क्या शो हो रहा था, 000, अब हमारा कहां पे चला गया है, ds 0100, ठीक है। अच्छा अब मजे की बात, हमने 0 इधर से स्टार्ट किया है, उसके बाद ये भी तो एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है। ये अब कितने में एग्जीक्यूट हुआ है हमारे पास, ये देखें हमारे पास जो है, आपको बताया था लास्ट टाइम कि DW जो होता है हमारा एक वर्ड होता है, ठीक है, DB जो होता है एक हमारा बाइट होता है, जो वर्ड होता है वो हमारे पास ये चार जो है 0 और 1 दोनों इसको इक्यूब करता है, ठीक है, और जो बाइट होता है हमारे पास सिंगल, ये सिंगल इक्यूब करता है, उसमें दो दो जो इंच हैं वो स्टोर हो सकते हैं, मतलब इस तरह की 8 बिट्स स्टोर हो सकती हैं, लेकिन वर्ड में हमारे पास 16 बिट्स स्टोर हो सकती हैं, ठीक है। ये जो एक होता है ना एक हिंसा, ठीक है, ये 4 बिट्स का होता है, ये एक हिंसा 4 बिट्स का होता है, 2 इंच जब मिलेंगे तो 8 बिट्स बन जाएंगे, और जब 4 हिंसे मिलेंगे तो हमारे 16 बिट्स बन जाएंगे, ठीक है। DW वर्ड हमारा जो होता है 16 बिट्स का होता है, और DB जो हमारा बाइट होता है वो 8 बिट्स का होता है, ठीक है। और जो हमारा ये है, ये 1 निबल है, 1 निबल क्या होता है, 4 बिट्स का होता है, ठीक है, ये 1 निबल है, ये 2 जब मिलेंगे तो 1 बाइट बन जाएगा, 4 जब मिलेंगे तो हमारा 1 वर्ड बन जाएगा, ओके। यहाँ तक अंडरस्टैंड हो गया, हमारे पास ये जो कोड है ये हमारा स्टार्ट का कोड पड़ा है, तो हम इसको कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे 103 से, ठीक है। तो हम इसको अगेन से करते हैं, m1 ds रेशो 0 103, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या पड़ा है, हमने स्टार्ट में क्या अरे स्टोर की थी अपनी मेमोरी में, हमने अरे ये स्टोर की थी कि DW, ठीक है, DW 200 205 and 313, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास ये देखो बहुत मजे की चीज़ है, हमने वर्ड में डिफाइन किया था, तो सो हमारा जो है वर्ड की फॉर्म में हमारे पास डाटा शो हो रहा है, अगर हम इधर बाइट में शो करते तो हमारा इधर 2 होता, इधर 0 होता इस दोनों में, और इधर भी हमारे पास 0 होता क्योंकि हमारा हमने 200 डिफाइन किया इधर, ठीक है। उसके बाद हमारा इधर आगे वाली जो है इसमें इधर 5 आ जाता, 2 आ जाता, सॉरी इधर 0 उसके बाद फिर 5, लेकिन अभी हमने वर्ड में डिफाइन किया है, तो हमारा एक जो है ये हिंसा वो इधर से 16 बिट्स लेगा, तो क्या मतलब है कि हमारे पास 4 इंच क्यूब करेगा वो। अब 2 है तो 2 किस तरह होगा, 2 0002, ठीक है, इधर हमारे पास मेमोरी में उल्टा शो करता है, लेकिन जब हम रजिस्टर में इसको करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 0002, ठीक है। ये लेस सिग्निफिकेंट और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स के हिसाब से इधर वो एग्जीक्यूट करता होता है इसको, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास ये देखें सेम वही जो हमने स्टोर किए कि अरे वही सेम इधर शो कर रहा है, क्या है, 2 है, ठीक है, 0002 शो कर रहा है, उसके बाद 0 है, 0000, उसके बाद क्या है, फिर अगेन से 0000, आगे 2 है, फिर 0002, उसके बाद फिर 0 है, 0000, उसके बाद हमारे पास 5 है तो 0005, उसके बाद 3 है तो 0003, आगे 1 है इसी तरह 0001, उसके बाद फिर 3 है तो 0003, सेम ऐसे। अच्छा इसके बाद आगे मजे की चीज़, आगे हमने 3 अरेज और डिफाइन किए हैं टोटल की, तो हमारे पास क्या हुआ आगे, हमने इसको 0 क्यों किया, अगर 0 ना करते तो हमारे पास इस तरह कोई ना कोई नंबर शो हो रहा होता है इधर, ठीक है। 0 हमने करने का मतलब यह है कि हमने ये जगह है इक्विप कर लिया, इसको हमने यूज़ करना है, तो इसलिए हमारे पास आगे जो है ये भी एक ये वर्ड है, ये 00 हो गया, एक ये वर्ड है वो 00 हो गया, और एक ये वर्ड है 00 हो गया, ठीक है। इसके बाद आगे जो अगला प्रोग्राम है वो उसमें वो सारे इनसे जो है एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ हुआ है और स्टोर हुआ हुआ है उसमें, ठीक है। अब हम अपना प्रोग्राम कैसे चलाएंगे, हमारे पास F2 फंक्शनल की जो होती है F2, उसको हम प्रेस करेंगे तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। इधर देखना आपके ये हमारा प्रोग्राम ऐसे ऐसा ऊपर चलेगा, जैसे हम F2 प्रेस करेंगे, हम एक दफ़ा F2 प्रेस करेंगे तो हमारी एक लाइन ऊपर एग्जीक्यूट होगी। अब देखिएगा, देखिए इसमें जो है हमारा यहाँ पर चला गया, हमारा जंप स्टार्ट पे आ गया, मूव BX,000, ठीक है, हमने BX में 00 मूव किया था तो हमारा मूव होगा, CX में 0003 मूव किया था हमने। अभी देखिएगा इधर CX में क्या वैल्यू है, वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू पड़ी हुई है, क्योंकि हम इसमें जब मूव करेंगे तो इधर वैल्यू चेंज हो जाएगी, चेक कीजिएगा, ठीक है।
ये देखिए जैसे ही हमने एग्जीक्यूट किया इसको, तो सी एक्स में वैल्यू क्या आ गई, 0003। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, हमने क्या किया था, ए एक्स में 0 मूव किया था। ठीक है, तो उसमें ऑलरेडी 0 पड़ा हुआ, हम वो कोई इसमें नहीं आएगा डिफरेंस। उसके बाद हमारे पास हमने क्या किया था, ऐड, ये हमारे पास एक मेमोरी एड्रेस था, ठीक है, 0001 03, ये हमारा मेमोरी एड्रेस है। उसने क्या कहा है कि इस मेमोरी एड्रेस पे जो इन सब पड़ा हुआ है उसको AX में ऐड कर दो। ठीक है, तो हमारे पास ये देखें, ये इंसा जो है इस पे क्या इंसा पड़ा हुआ है, 2 पड़ा हुआ है, ए ऐड हो जाएगा इसमें, AX में। अभी जैसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा, अभी तक 0 0 है, देखिएगा आप, जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये इधर 2 आ जाएगा हमारा, देखना आप। ये देखिए जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया, इधर AX में हमारे पास AX रजिस्टर में क्या आ गया, 2। अब हमारा क्या, हमने क्या कहा है कि BX में 2 ऐड कर दो, BX में फिलहाल 0 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इधर 2 ऐड हो जाएगा, देखिए BX में 2 आ गया। इस हमने क्या कहा है, सब्ट्रैक्ट जो है, हमारी एक लूप कंप्लीट हो गया, हमने कहा इसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दो, CX में भी 3 था, जैसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारा जो है ये इसमें 2 हो जाएगा। और एक मजे की बात है, हमारा अभी जो है ना जीरो फ्लैग सेट नहीं होगा। जीरो फ्लैग सेट, जीरो फ्लैग कहाँ है, ये फ्लैग्स हमारे, ठीक है, ये हमारे पास जीरो फ्लैग है, कैरी फ्लैग है, पैरिटी फ्लैग है, ये सारे ओवरलोड फ्रॉ फ्लैग है, सारे फ्लैग्स इधर हैं हमारे। ठीक है, इसमें भी जीरो फ्लैग की क्या वैल्यू है, 0। जब हम लास्ट लूप पे होंगे ना तो हमारा जीरो फ्लैग सेट हो जाएगा, जंप इफ नॉट 0। ठीक है, तो हमारा जैसे ही जीरो फ्लैग सेट होगा, हम जो है हमारी जंप नहीं लगेगी, हम अगले इंस्ट्रक्शन पे मूव कर जाएंगे। अब देखना इसमें हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 1, तो हमारा 3 था इधर, ये देख 2 2 रह गया। अच्छा, इसमें एक और मजे की बात है कि हमारे पास ये आईपी जो है ये क्या पॉइंट करता है, आईपी हमारा पॉइंट करता है कि जो हमारी नेक्स्ट एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन होती है, जो हमारी नेक्स्ट लाइन जिसको हम एग्जीक्यूट करना होता है अगली लाइन को, वो लाइन इधर शो करता है हमारे पास कि अगली हमने जो है लाइन ये वाली एग्जीक्यूट करनी है। देखिए 0101 30 है, इधर भी वही शो कर रहा है। ठीक है, हमारी जंप लग जाएगी, अगेन से हम ऊपर आ गए। ठीक है, अभी हमने क्या किया था, इधर लिखा था कि मेमोरी एड्रेस 010 प्लस BX, BX में क्या पड़ा हुआ है, 2, 0103 प्लस BX कितना बन गया, 0105, 0105 पे क्या पड़ा हुआ है, 0 पड़ा हुआ है, तो हमारे पास इसमें कोई नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारे पास हम इसको एग्जीक्यूट करते जाएंगे। ठीक है, हमारी एक और लूप चली, अगेन से उधर आ गए, अब क्या कह रहा है, 0103 BX में क्या है, अब 4 है, तो जब इसमें 4 4 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 107 आ जाएगा, उसमें क्या पड़ा हुआ है, 0 पड़ा हुआ, तो हमारा फिर भी जो है AX में 2 ही रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे 2 ही रहेगा। अभी हम चेक करें इधर, जैसे ही हमने CX में जो है 1 सब्ट्रैक्ट किया, CX में क्या आ गया, 0, हमारा 0 फ्लैग जो है वो सेट हो गया, अब हमारी जंप नहीं लगेगी, हमारी अगले इंस्ट्रक्शन पे मूव हो जाएगी। अब हमने क्या किया था, आगे नेक्स्ट लूप में हमने क्या किया था, मूव BX,6 किया था। ठीक है, अब देखिएगा आप, जो हमने क्या किया था, इधर देखिए हम क्या किया था, हमने टोटल में जो AX में वैल्यू थी हमने वो टोटल में मूव कर दी थी। ठीक है, हमारे पास टोटल की जो है मेमोरी एड्रेस कौन सा है, 0115। ठीक है, टोटल का मेमोरी एड्रेस क्या है, 0115। 0115 कहाँ पे है, ये देखिए 113 है और ये 115 है। ठीक है, इधर हमारे पास अभी वैल्यू क्या पड़ी हुई है, 0। जैसे ही हम इसमें मूव करेंगे, ठीक है, हमारी इधर वैल्यू चेंज हो जाएगी, चेक कीजिएगा आप। हमने जैसे ही मूव किया इसको, हम क्या हुआ हमारा, इधर 2 वैल्यू मूव होगी। देखिए चेंजेस जो आ रही हैं इसको आप नोट कीजिएगा। ठीक है, अगली हमारे इंस्ट्रक्शन क्या है, BX में हम 6 को मूव करेंगे, मूव हुआ, अगेन से हम CX में 3 को ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने ये लूप भी 3 दफ़ा चलानी है। अभी CX में 0 वैल्यू है, जब हम इसको ऐड करेंगे तो CX में वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। ठीक है। अच्छा, अभी आपको मज़े की बात बताऊं कि हमारे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हमने जो है AX को 0 लाजमी कर लेना है जब हम दूसरी जो है लूप चलाएंगे। क्यों करना है, क्योंकि हमारे पास पहली वाली वैल्यू X में पड़ी होगी। आपको देखिए, आप प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ कि हमारे पास AX में जो है पहली वाली वैल्यू पड़ी हुई है 2, हम जब इसको 0 करेंगे तो हमारी ये 0 हो जाएगी ताकि हम नेक्स्ट 3 नंबर्स को ऐड कर सकें। अगर हम इसको 0 नहीं करेंगे तो ये 2 भी उसमें ऐड हो जाएगा, हमारा आंसर जो है करेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको AX में 0 ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है 0 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास 103 प्लस BX है, मतलब कि 6 इसमें ऐड करेंगे तो 109 हो जाएगा, 109 पे क्या है हमारा, 2।
ठीक है, वो ए एक्स में जो है हमारा ऐड हो जाएगा। ए एक्स पे ऐड करेंगे 2 आ गया, उसके बाद फिर हम ऐड बी एक्स को 2 किया तो हमारे पास इधर 8 आ गया। सेम इसी तरह हम एग्जीक्यूट करते जाएंगे, ठीक है। हमारे पास इधर सी एक्स में 1 आया, अभी देखना 1 है, जैसे सबट्रैक्ट करेंगे हमारा जीरो फ्लैग जो है सेट हो जाएगा। जीरो फ्लैग अभी 0 है, तो जैसे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे जीरो फ्लैग हमारा ये देखें सेट हो गया, ठीक है। और इधर हमारे सी एक्स में क्या वैल्यू आएगी, 0। सेम ऐसे ही चलते जाएंगे चलते जाएंगे, ठीक है। हमारे पास जो है अभी ई एक्स में टोटल वैल्यू कितनी आ गई है, 7। कैसे आ गई है देखें, हमने ये 3 इनका सम लिया था, ठीक है, 5 और 2 को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास ए एक्स में 7 वैल्यू हो गई है, ठीक है। इसको हमने अब क्या करना है, 7 को हमने क्या कहा था, ए एक्स की वैल्यू को टोटल 2 में मूव कर दें। टोटल 2 जो है टोटल 2 को हम इसमें मूव करेंगे, आप देखिएगा उसमें टोटल 2 में जो है 7 आ गया इधर, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट जो है इधर हमने 0 0 भी शो कर रहे हैं ना, जब हम लास्ट वाली लूप चलाएंगे तो इधर भी हमारी लास्ट वाली की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। हम इस तरह चलते जाते हैं, ठीक है। अभी देखना है 0 है तो ये देखें 7 आ गया। 7 कैसे आया, 3 1 3, तो हमारे इसका एडिशन 7 होती है इस तरह। अब हमारे पास ये लास्ट इंस्ट्रक्शन हैं, ये वाली जिसको हमने कहा था कि ये टर्मिनेट करने के लिए होती है प्रोग्राम, जैसे हम इससे गुजरेंगे तो हमारा प्रोग्राम खत्म एंड हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। हम देखना जैसे चलेंगे तो प्रोग्राम टर्मिनेटेड, ओके, ठीक है। हम इसको बाहर आने के लिए हम क्या करते हैं, क्वाइट, QUIT, क्वाइट, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा वापस उधर आ जाएगा। आई होप सो कि आपको ये प्रोग्राम जो है बहुत इजिली से आपको अंडरस्टैंड कर लिया होगा आपने, क्योंकि मैंने इतने अच्छे तरीके से समझाया, मेरा गला बैठ गया है समझा समझा के। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आती इस बात की या डीबगर को कंपाइल करने की या रन करने की, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और मेथड से समझ आएगी, क्योंकि इतना आसान तरीके से जो मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, तो आपको बस थोड़ा सा फोकस करना है आपने, और इंशाल्लाह आप जो है बेहतर इसको पिक करेंगे और बेहतर अंडरस्टैंड करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।